हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है नेहा और हम इस लेक्चर सीरीज में टेट के एग्जाम के हिसाब से पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज का क्या सिलेबस रहेगा, एंड टू एंड जानकारी हम इन लेक्चर सीरीज में देखेंगे। क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि ईवीएस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे टेट एग्जाम के लिए। तो अगर आप स्ट्रक्चर और कंटेंट देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, तो आप देखेंगे कि सभी सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है, सभी 30 मार्क्स के हैं। तो ईवीएस में अगर हम बात करें तो 20 मार्क्स का इन्वायरमेंटल सेक्शन होगा और 10 मार्क्स का पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सभी 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। तो ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफी लोगों का या कुछ लोगों का आप कह सकते हो कि इंग्लिश और मैथ्स जहाँ पे पुअर होता है, वहाँ पे मेहनत, अगर आप थोड़ी मेहनत वहाँ की अगर आप ईवीएस में देते हैं समय और थोड़ी मेहनत करते हैं, तो यहाँ पे आप एक अच्छा स्कोर कर पाते हैं। ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जो हमारे डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है, रिलेट करता है, तो हम भी अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। और वो जो जानकारी होती है वो नॉट केवल सिर्फ एग्जाम के हिसाब से ही नहीं, अदरवाइज भी इम्पोर्टेंट होती है। तो इस तरीके से आप ईवीएस में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये है आपका सिलेबस, हिंदी में लिखा हुआ है। हमारा परिवार हमारे मित्र पहला चैप्टर है जिसमें आपका फैमिली और फ्रेंड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी आपकी जो सराउंडिंग एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो सभी इसमें आते हैं। नेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड है आपका स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी, खेल एवं कार्य। तीसरा है आवास, भोजन और आदतें, फूड से रिलेटेड, फूड एंड हैबिट से रिलेटेड। और जो भी पानी और हवा के पॉल्यूशन की वजह से जो बीमारियां होती हैं वहां से, तो यहाँ चैप्टर नंबर जो 5 है यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। स्पेशली जो डिजीजेज होती हैं बिकॉज ऑफ वाटर या फिर एयर की वजह से, वहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है आपका जो 6th चैप्टर है, प्राकृतिक वस्तुएं और उपज, मानव निर्मित साधन और उनके क्रियाकलापों का प्रभाव की, जैसे वनों की कटाई हुई, शहरीकरण हुआ, ये मनुष्य मानव ने किया है, लोगों की ह्यूमन ने किया है। नेचुरल तो वहाँ पे फॉरेस्ट थे लेकिन हमने नए नए टावर्स खड़े कर दिए, ओजोन लेयर में जो प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड ऑल, प्लास्टिक का जो यूज नहीं करना है, तो ये सभी चीजें 7th चैप्टर में है। 8th चैप्टर है आपका अंतरिक्ष विज्ञान, जिसमें वैज्ञानिकों का परिचय है, साइंटिस्ट से रिलेटेड भी, जैसे पर्टिकुलर कोई थ्योरी है वो किस साइंटिस्ट ने दी है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस से एक्सपेक्टेड हैं इस 8th चैप्टर से आने के। बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो आपके आएंगे पेडागोजिकल जो भी इश्यूज हैं उनसे, कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें ज़रूरत है, क्या हम इसमें डिबेट कर सकते हैं, और आगे क्या आने वाली लोगों को, बच्चों को हम क्या इसके लिए बता सकते हैं कि कैसे वो आने वाली जनरेशंस पर्यावरण को और बचाएं। इंग्लिश में आप देखेंगे तो वही टॉपिक्स हैं। इंग्लिश में फैमिली, सोशल रिलेशंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ट्रीज एंड प्लांट्स, स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ जिसमें फैमिली फेस्टिवल्स, फेस्टिवेज भी आ जाते हैं, हाउसिंग जिसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट है नेशनल हेरिटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, फूड एंड हैबिट्स जिसमें जो आपके विटामिन्स हैं, जो भी मिनरल्स हैं, हाइजीन क्या रखने चाहिए, फूड रिसोर्स के लिए सेफ्टी क्या रखनी चाहिए, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, फ्रूट्स एंड प्लांट्स के क्या इम्पोर्टेंस है, वो सभी आप इस टॉपिक में देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। वाटर एंड एयर पोल्यूशन, इन्फेक्शन, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड यील्ड्स, ठीक है, सॉइल से रिलेटेड आ जाते हैं इसमें क्वेश्चंस, क्रॉप से रिलेटेड आ जाते हैं, ह्यूमन मेड टूल्स जो मैंने आपको बताया ही, जैसे एसिड रेन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये यहाँ से सभी क्वेश्चंस बनते हैं, और पैडागोजिकल इश्यूज। तो हम यहाँ पर जो भी ये सेशंस होंगे, लेक्चर्स होंगे, यहाँ पर पेडागोजिकल इश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करेंगे, और बाकी इन जो 15 मार्क्स का है इन्वायरमेंटल स्टडी से भी रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स का, वो भी करने की कोशिश करेंगे।
Why learning EVS for TET exam is important? ये मैं सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रही हूँ. पहले मैंने आपको बताया कि एग्जाम के लिए EVS कितना इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि EVS को लर्न करना या समझना कितना इम्पोर्टेंट है. तो एग्जाम हिसाब से तो मैंने आपको बताया कि वेटेज क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स का इक्वल है, थोड़ी मेहनत यहाँ पे थोड़ी मेहनत करने से एक अच्छा स्कोर कर पाते हैं कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट. तो एक बात तो ये हुई. दूसरा क्या है कि जब आप ये एग्जाम क्लियर करेंगे तो आप प्राइमरी एक सेक्शन के बच्चों के टीचर बनेंगे, और जो बच्चे होते हैं उनको जो समझाने की जो कला होती है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होती है. जब आप सराउंडिंग से रिलेटेड चीज़ों को उसके फैक्ट्स के साथ समझाओगे टॉपिक्स को, तो बच्चे ज़्यादा जल्दी समझ पाएंगे और लाइफ लॉन्ग उनकी वो मेमोरी में रहता है. सो इसलिए भी EVS एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि वो बच्चों की जो है एक्सप्लेन, बच्चों को जो रिक्वायरमेंट होती है, उनको जो समझाने की तरकीब होती है, वो उनकी ऑब्जर्वेशंस के पर बेस्ड होती है. तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहले मैं इंग्लिश में रीड कर देती हूँ फिर हिंदी में कर लेंगे. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट हर्ड. ठीक है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए. सो हर्ड यहाँ पे झुंड के लिए है. तो एन एलिफेंट हर्ड हैज मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स अप टू 14 to 15 ईयर्स ओल्ड. कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ फीमेल और 14 टू 15 ईयर्स के बच्चे ही होते हैं. एन एलिफेंट हर्ड कंप्राइजेस मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली, किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के ही मेंबर होते हैं. ठीक है, द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड. झुंड की सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वही झुंड की नेता होती है, लीडर होती है, लीड करती है झुंड को. एन एलिफेंट हर्ड में अकोमोडेट एनी नंबर ऑफ फीमेल एलिफेंट एंड द यंग वंस. एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है. तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4. इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है. तो अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो एक क्वेश्चन तो जो जनरल वे में बनता है, जो मेरी हमेशा टेक्निक रही है कि आप कोशिश करिए कि ऑप्शंस को डिस्कार्ड किया जाए, कि जो ऑप्शन जो मुझे लगता है कि जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. तो जो ऑप्शन जो बी है, एन एलिफेंट हर्ड कंप्राइजेस मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर फैमिली, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा हाथी हमेशा झुंड में रहते हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के नहीं हो सकते, इतनी बड़ी फैमिली नहीं हो सकती. तो अगर आप एक कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो डिस्कार्ड किया जा सकता है. तो उस केस में 1 और 3 आपका चला जाएगा. तो बचता है ऑप्शन 2 और 4, जिसमें सी तो कन्फर्म है ही, द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड. तो बचा A और D. तो इस तरीके से आप कोशिश कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शन को डिस्कार्ड करें, ताकि अगर आप अटेम्प्ट कर भी रहे हैं तो गलती होने की गुंजाइश थोड़ी कम हो. तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम कुछ और चीज़ें भी समझ लेते हैं. लाइक फीमेल एलिफेंट्स जो हैं वो अपना पूरा जो लाइफ स्पैन है, जो पूरी जो लाइफ है, वो झुंड में ही, बड़े झुंड में ही, हर्ड्स में ही निकालती हैं. मेल एलिफेंट्स लीव देयर हर्ड्स एट अबाउट 13 to 14 ईयर्स ओल्ड. फीमेल एलिफेंट्स को काउस कहा जाता है, मेल एलिफेंट्स को बुल्स कहा जाता है, और जो बेबीज होते हैं या बेबी एलिफेंट है उन्हें काफ कहा जाता है. एक हर्ड में या एक झुंड में 8 से 100 इंडिविजुअल मेल और फीमेल या बेबी एलिफेंट रह सकते हैं. वो डिपेंड करता है क्लाइमेट पर और उनके फैमिली साइज पर. जो फीमेल हर्ड होता है, लाइक फीमेल हर्ड्स में झुंड में जो सबसे ओल्डेस्ट, जो सबसे बुजुर्ग जो फीमेल एलिफेंट होती है, वही उस ग्रुप को लीड करती है. तो ये जो एक ऑप्शन था अपने जो क्वेश्चन में, वो एक यही था जो ये, वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है. और जो एलिफेंट है वो अपने लाइफ स्पेन में 4 से ज़्यादा बच्चे नहीं करते हैं, लाइक मोर देन 4 चिल्ड्रन ही उनके हो पाते हैं. और दे फीमेल एलिफेंट स्टार्ट टू हैव बेबीज लाइक जब वो 14 के बाद से वो शुरू कर देते हैं. और जो प्रेगनेंसी का जो टाइम है, लाइक जो जेस्टेशन पीरियड है, वो 18 to 22 मंथ होता है एशियन एलिफेंट्स में, और अफ्रीकन एलिफेंट्स में 22 मंथ. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो टाइम है, जो जेस्टेशन पीरियड है, दिस इज द लॉन्गेस्ट प्रेगनेंसी ऑफ मैमल्स, क्योंकि ह्यूमन्स में 9 मंथ्स होता है, एलिफेंट्स में ये जो जेस्टेशन पीरियड है वो सबसे ज़्यादा होता है.
और एलिफेंट आर द लार्जेस्ट लैंड लिविंग मैमल्स, क्योंकि अर्थ पे लैंड पे अगर आप बात करेंगे तो एलिफेंट सबसे बड़े हैं मैमल्स में आते हैं, और अगर आप पानी में या ओशन में अर्थ पर बात करेंगे तो वो ब्लू वेल आती है, अंटार्कटिक ब्लू वेल आती है। नेक्स्ट एक और फैक्ट है कि जो स्पीशीज हैं एलिफेंट की, अगर स्पीशीज की बात करें तो 3 सर्वाइविंग अभी करंटली जो एलिफेंट स्पीशीज हैं वो है एशियन एलिफेंट, जिसे एल्फास मैक्सिमस बोलते हैं। इनका एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है वो 48 ईयर्स होता है। अफ्रीकन सवाना एलिफेंट, जिन्हें लॉक्सोडोंटा अफ्रिकाना बोलते हैं, जिनका जो लाइफ स्पैन है वो 60 to 70 ईयर्स है। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, जिनको लॉक्सोडाना साइक्लोटिस बोलते हैं, 60 to 70 ईयर्स इनका लाइफ स्पैन होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं लाइफ स्पैन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि आपको एक जनरल लाइफ स्पैन पूछा जाए तो उसका आंसर 60 to 70 ईयर्स होगा, और डिपेंड ऑन द ऑप्शन, आपकी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। एलिफेंट लार्जेस्ट लैंड लिविंग मैमल्स हैं, यहाँ पे ध्यान देना है लैंड लिविंग मैमल्स हैं। जेस्टेशन पीरियड के बारे में आपको बताया ही, ओल्डेस्ट और जो फीमेल एलिफेंट होती है वही उस ग्रुप को लीड करती है। मेल एलिफेंट को बुल्स, फीमेल को काउस, और बेबी एलिफेंट को काफ कहा जाता है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जहाँ पे और भी क्वेश्चन बनते हैं। एक दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो एलिफेंट्स होते हैं वो कीस्टोन स्पीशीज होती हैं। कीस्टोन का मतलब क्या होता है कि अगर ये स्पीशीज डिसअपियर हो गई या फिर रेयर एक्सटिंक्शन हो गई, दुर्लभ हो गई या फिर मिट गई, खत्म हो गई, तो पूरा की पूरा इकोसिस्टम ही चेंज हो जाएगा, और बहुत ड्रास्टिकली चेंज होगा। बिकॉज अदर स्पीशीज रिलाय और डिपेंड ऑन द कीस्टोन स्पीशीज, दैट इज बाय एलिफेंट जो है कीस्टोन स्पीशीज का अगर खत्म होना बहुत मुश्किल में आने वाली बात है। तो कीस्टोन स्पीशीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाकी जो और स्पीशीज हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए इनके ऊपर डिपेंड करती हैं। वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अगर अब आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन से आप समझ पाएंगे कि हमारा जो ऑप्शन है, एन एलिफेंट हर्ड हैज मेनली फीमेल्स, यस दिस इज करेक्ट, एंड बेबी एलिफेंट्स अप टू 14 to 15 ईयर्स ओल्ड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमारा 1 और 2 में आने की पॉसिबिलिटी है। एन एलिफेंट हर्ड कंप्राइजेज मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली, नो, वो काफी बड़े झुंड होते हैं जिसमें एक फैमिली के अलावा भी काफी और फैमिली, उनके कजन, सिस्टर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो सब भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी नहीं होगा। तो आप देखोगे कि ऑप्शन A2 आएगा, ए एंड सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को हर रंग में देख सकते हैं। इन ऑल कलर्स, ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स, केवल काली और सफेद रंग को ही देख सकते हैं। इन ग्रीन कलर ओनली, केवल हरे रंग में देख सकते हैं, या फिर केवल लाल रंग में देख सकते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम इसके बारे में उसके कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। लाइक डू एनिमल्स सी कलर्स, क्या एनिमल्स को कलर्स या रंग दिखते हैं। क्वेश्चन है कि रात में जागने वाले जो जगते हैं एनिमल्स, उनको कौन सा कलर दिखता है। तो हम अभी थोड़ा क्वेश्चन को जनरलाइज कर देते हैं कि क्या एनिमल्स को कलर दिखता है। तो एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी एज अ ह्यूमन कैन सी, ठीक है, उतने कलर्स नहीं दिखते हैं जितने हम ह्यूमंस को दिखते हैं। लाइक इस पिक्चर में आप देख पाओगे कि ये जो, जैसे सपोज करो ये फ्लावर है, हमें ह्यूमंस को जिस तरीके से ये दिखता है, लाइक एक बर्ड को इस तरीके से दिखेगा, एक डॉग को कुछ इस तरीके के कलर्स दिखेंगे, एक किसी लिजार्ड या टिजार्ड को ये इस तरीके से कलर्स दिखेंगे। तो वो डिपेंड करता है एनिमल टू एनिमल, बट जिस तरीके से हम सभी कलर्स को देख सकते हैं वैसा वो नहीं देख सकते। सो सम एनिमल्स, हाँ, इसके अलावा और क्या बात है कि सबसे पहले एक और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि रात में जागने वाले एनिमल्स को क्या कहते हैं। तो सम एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे व्हाइल अदर्स आर एक्टिव एट नाइट, कुछ लोग जो दिन में एक्टिव होते हैं, कुछ एनिमल्स जिन्हें हम ज्यादातर अभी जानते ही हैं, और कुछ एनिमल्स जो रात में एक्टिव होते हैं, रात में जागते हैं, जिसमें आउल्स उल्लू जो है सबसे नोन एग्जाम्पल है। सो एनिमल्स दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, जो नाइट में एक्टिव होते हैं वो दिन में सो जाते हैं, उनको बोलते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं, जैसे आउल, बैट्स, माउस या लेपर्ड। तो ये एग्जाम्पल है नॉक्टर्नल एनिमल्स के, जो रात में एक्टिव होते हैं और दिन में सोते हैं। एनिमल्स दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे,
एंड स्लीप एट नाइट, जिन्हें हम जो भी अपने सराउंडिंग्स में जो भी एनिमल्स हैं हम देखते हैं कि दिन में जागते हैं लाइक अस, और रात में सोते हैं उन्हें बोलते हैं डायरुनल एनिमल अपोजिट ऑफ नॉक्टर्नल। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। अगला अब हम आते हैं कि टू बी एबल टू सर्वाइव नॉक्टर्नल एनिमल्स टेंड टू हैव अ मोर हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल साइट एंड हियरिंग, क्योंकि रात में ये लोग एक्टिव होते हैं जागते हैं, तो उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए ओबियस दिखाने के लिए इनको ज़्यादा नेचुरली इनका सेंस ऑफ स्मेल और इनका जो विजन होता है, इवन इनकी जो हियरिंग एबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा हाईली डेवलप्ड होती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। एंड इट इज बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स, ठीक है, जो डे टाइम में अवेक होते हैं यानी जो डायरनल एनिमल्स होते हैं वो कुछ कलर्स देख सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स रात को जगते हैं, अवेक होते हैं रात को जगते हैं, वो केवल और केवल ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स ही देख सकते हैं, ठीक है। सो हमारा जो ये क्वेश्चन है, द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स, तो ऑप्शन टू हमारा इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इनसाइड द पेटल्स इन द मिडिल ऑफ ए फ्लावर वी फाइंड अ थिन पाउडरी स्ट्रक्चर कॉल्ड, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें हम कहते हैं एंथर, पराग कोश, पॉलिन, पराग, रेडिकल, मूलांकुर, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम जो फ्लावर है यहाँ पे जो बात कर रहे हैं फ्लावर की, तो फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो फ्लावर जो है कंप्लीट, एक जो फ्लावर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उसका एक पार्ट होता है वेजिटेटिव और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव। तो वेजिटेटिव जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है दैट पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स। पेटल्स पत्तियां, और पत्तियों के नीचे ही आप एक ग्रीन स्ट्रक्चर देखेंगे जो प्रोटेक्ट करती है राइजिंग बर्ड्स को, उसे बोलते हैं सेपल्स। अभी हम फिगर में और एक्सप्लेन कर देख लेंगे। रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है वो दो चीजें रखता है, एक स्टेमिन, ठीक है, और दूसरा होता है पिस्टिल। जो स्टेमिन होता है वो होता है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसे साइंटिफिकली हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं, और पिस्टल जो होता है उसे बोलते हैं फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। और फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर जो होता है वो इनर मोस्ट, जो भी फ्लावर का जो भी पार्ट होता है इनर वाला जो पार्ट होता है वो पिस्टल बनाता है, जिसके अंदर आता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। तो कंबाइंडली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी को हम पिस्टल कहते हैं। तो ये तो हुई फ्लावर के बारे में, दो पार्ट के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है वेजिटेटिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव में होते हैं आपके पेटल्स एंड सेपल्स, रिप्रोडक्टिव में होते हैं आपके स्टेमन एंड पिस्टल, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर से देख लेते हैं, स्टेमन जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल वाला जो पार्ट है फ्लावर का उसमें आता है स्टेमिन। स्टेमिन के भी अगेन दो पार्ट होते हैं, वो होते हैं एंथर एंड फिलामेंट, जो अगली स्लाइड में मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगी। और ये है पिस्टिल, जिसमें स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, एंड ओवेरी ये है, और अंदर वाला जो है वो ओव्यूल, तो ये बनता है पिस्टिल। फिर से एक बार स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो है आपका पिस्टिल, दैट इज फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। सो स्टिग्मा जो है दैट इज टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, आप देख ही सकते हैं। और जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टिग्मा और ओवेरी को कनेक्ट कर रही है वो होती है आपकी स्टाइल। और जो ओवेरी है वो आपका एक रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है जो ओव्यूल्स को लेके रखती है, जो सीड का जो फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे होता है। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर जो स्टेमिन होता है, जिसके दो पार्ट होते हैं एंथर एंड फिलामेंट। सो एंथर जो है वो पॉलेंस को कैरी करता है, आपने सुना होगा पॉलेन और पॉलेन ग्रेन्स के बारे में। कई बार लोगों को पॉलेन ग्रेन्स की वजह से, जैसे कुछ सीजन में पर्टिकुलर जो फ्लावर्स होते हैं उनके पॉलेन ग्रेन्स उड़ते हैं, उसकी वजह से कुछ लोगों को कफ या कोल्ड जैसा एलर्जिक इश्यू भी होते हैं, तो वो पॉलेन ग्रेन्स होते हैं एंड ये येल्लो होते हैं कलर में। दूसरा है फिलामेंट, जो आप देख सकते हो एक थ्रेड लाइक पतली सी स्ट्रक्चर होती है जो एंथर को सपोर्ट करती है, वो होता है फिलामेंट। तो ये हो गए मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। दीज आर सेपल्स, जो पेटल्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, जो राइजिंग जो बर्ड्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती हैं, और पेटल्स तो पत्तियां जो फ्लावर की होती हैं वही होती हैं।
सो पॉलन जो होते हैं एक वेरी फाइन पाउडरी सब्सटेंस होता है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो, येलो कलर का होता है, और ये इसको जो जनरेट करता है वो स्टेमिन होता है। स्टेमिन का जो एंथर होता है वो जनरेट करता है, और इसका पर्पस क्या होता है, टू फर्टिलाइज अदर प्लांट्स इन द सेम स्पेशीज, अदर प्लांट्स में आके और फर्टिलाइजेशन के लिए ये इधर उधर घूमते रहते हैं। इट मीन्स कि या तो हवा के थ्रू, या जो प्लांट कुछ एनिमल्स होते हैं जो फ्लावर्स को या फ्रूट्स को खाते हैं, फिर वो सीड्स को कहीं और छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से वो प्रोसेस होता है। एक और फैक्ट है कि जो कुछ फ्लावर्स होते हैं, क्या सभी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, क्या सभी फ्लावर्स के पास दोनों ही पार्ट होते हैं? बट ऐसा नहीं है, कुछ फ्लावर्स के पास ऑल मेल पार्ट्स होते हैं, कुछ के पास खाली फीमेल होते हैं, या कुछ किसी के पास कॉम्बिनेशन ऑफ मेल और फीमेल पार्ट होता है। तो जिन फ्लावर्स के पास या तो मेल या फिर फीमेल होते हैं उन्हें इम्परफेक्ट बोलते हैं, लाइक कुकुम्बर, पम्पकिन एंड मेलन्स, ये इम्परफेक्ट फ्लावर्स होते हैं। या कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनके पास बोथ मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों होते हैं, जिन्हें परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं, जैसे रोजेज हैं, लिलीज हैं, डैंडोलिन हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ परफेक्ट फ्लावर्स बिकॉज दे हैव ऑल मेल एंड फीमेल पार्ट। सो वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इनसाइड द पेटल्स इन द मिडिल ऑफ ए फ्लावर वी फाइंड अ थिन पाउडरी स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलेंगे, एंथर? नो, परागकोष नहीं, क्योंकि वो मेल प्रोडक्टिव पार्ट होता है तो वो नहीं होगा। दूसरा है पॉलन, जो हमने अभी पढ़ा, तो पॉलन इज द करेक्ट आंसर। एंड तीसरा है रेडिकल एंड स्टिग्मा, तो स्टिग्मा भी हमने आपको बताया कि ये फीमेल जो पार्ट है उसका होता है, स्टिग्मा जो होती है वो टॉप मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का। तीसरा ऑप्शन जो है रेडिकल, मैं उसके बारे में भी बता देती हूँ। सो रेडिकल जो होता है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीडलिंग होता है, यानी ग्रोइंग प्लांट एम्ब्रो, जब आप कोई सीड डालते हो मिट्टी के अंदर, तो जब वो ग्रो करता है, थोड़ा भी ग्रो करता है, तो वो जो एम्ब्रो होता है, प्लांट एम्ब्रो, उसे हम रेडिकल बोलते हैं। सो ये आगे जर्मिनेशन का प्रोसेस करता है। द रेडिकल इज द एम्ब्रोनिक रूट ऑफ द प्लांट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एंड ग्रोज डाउनवर्ड्स इन द सॉइल, ये ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करता लाइक प्लांट, ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड मिट्टी के नीचे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन और क्वेश्चन से रिलेटेड काफी सारे फैक्ट्स, फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफ्टन बिकॉज, इसका क्या कारण है? बिकॉज दे कैन फ्लाई, वो उड़ सकते हैं, इसलिए वो अपनी गर्दन हिलाते हैं। द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड, पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, वो फिक्स होती है। द बर्ड्स हैव स्मॉल आईज, पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, या देयर ईयर्स आर कवर्ड विथ फीदर्स, या फिर उनके कान पंखों से ढके हुए होते हैं। तो उनके कान पंखों से ढके हुए होते हैं, ये ऑप्शन तो आप थोड़ा भी एक कॉमन सेंस, जनरल सेंस लगाएं तो आपको लगेगा थोड़ा अटपटा सा। और पक्षियों की आंखें छोटी तो नहीं होती हैं, ज्यादातर बड़ी ही होती हैं उनके बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर करने से पहले कुछ और चीजें समझ लेते हैं। तो जो पक्षियां हैं, जो बर्ड्स हैं, उनका जो विजन है वो बहुत, एक सबसे इम्पॉर्टेंट उनके लिए वो सेंस है, जैसे हम ह्यूमंस का एक टच सेंस है, हमारी जो टंग है वो टंग जो सेंस ऑर्गन है, ईयर है, आईज है, टच है, ओके। सो बर्ड्स के लिए जो विजन है वो उनका बहुत इंपॉर्टेंट सेंस होता है, और वो अपने विजन पे ही रिलाय करते हैं। क्यों, कैसे, कि जो बर्ड्स है उनका जो जनरल, हम जो लोग हैं उनसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अच्छा उनका बेटर विजन होता है। ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो कि बर्ड्स जो हैं वो 2 to 3 times बेटर देख सकती हैं हम लोगों के कंपेरिजन में, और उनकी जो आंखें होती हैं वो रिलेटिवली बड़ी होती हैं उनके हेड यानी सर और बॉडी के रिस्पेक्ट में। और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके लिए विजन इम्पॉर्टेंट होता है, और विजन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, टू डिटेक्ट फूड एंड अवॉइड प्रेडेटर्स, अपनी सुरक्षा के लिए और फूड को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हुआ। दूसरी बात ये है कि जो बर्ड्स की जो आईज होती हैं वो फिक्स होती हैं, फिक्स मतलब कि वो टाइटली फिट होती हैं उनके हेड के साथ। इट मींस बर्ड्स कैन नॉट सिंपली रोल देयर आईज, जैसे हमें लेफ्ट राइट देखना होता है ना, तो हमारी आंखों की जो पुतली है वो इधर लेफ्ट राइट घूमती है। बर्ड्स के साथ ऐसा नहीं होता, उन्हें लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट देखने के लिए, क्योंकि उनकी आंखों की जो पुतली है वो आंखें जो घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपनी नेक हर सॉरी हेड हेड
गर्दन को घुमाते हैं इधर उधर देखने के लिए. तो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग देयर हेड स्टिल एंड मूविंग देयर आईज अराउंड, दे हैव टू मूव देयर एंटायर हेड. उन्हें अपना पूरा सिर हिलाना पड़ता है. जबकि आप अभी बैठे बैठे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करें, अगर आपको लेफ्ट में देखना है तो आप लेफ्ट बिना हेड मूव किए आप देख पाएंगे. सो दिस इज वाई यू विल ऑफ्टन सी बर्ड कॉन्स्टेंटली मूविंग इट्स हेड टू वन साइड और अदर, क्योंकि उन्हें इधर उधर देखना होता है, क्योंकि उनकी आंखें मूव नहीं कर सकती, इसलिए वो हेड या गर्दन को मूव करते हैं. सो आप कई बार आप नोटिस भी करे होंगे या फिर कर लेना कि जब बर्ड कोई बैठी हुई हो, चुपचाप बैठी हुई हो, और लेकिन उसे कहीं इधर उधर देखना हो, तो आप देखेंगे कि उसका हेड इधर उधर मूव हो रहा होगा. हाँ, लेकिन एक इसमें एक बात और एक और फैक्ट मैं ऐड कर देती हूँ कि जो पैरट्स होते हैं वो अपनी आईज को कुछ लिमिट तक मूव कर सकते हैं. सो दे कैन मूव देयर आईज टू सम एक्सटेंट एंड बट लिमिटेड मूवमेंट होता है, एंड दे ऑल्सो ऑफ्टन मूव देयर हेड्स कंटिन्यूसली टू कंपनसेट फॉर देयर लिमिटेड आई मूवमेंट. तो वापस क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन में पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं. क्यों? क्योंकि वो उड़ सकते हैं, वो तो सबको पता ही है. इसलिए नहीं, इसलिए बिकॉज देयर आर बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड, उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती. सो ऑप्शन टू विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये पेडागोजी का क्वेश्चन है. नलिनी वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑन एनिमल्स आर फ्रेंड्स टू क्लास थर्ड स्टूडेंट. इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक मोर इंटरेस्टिंगली द बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी वुड बी टू. नलिनी कक्षा 3 के बच्चों को जानवर हमारे साथी हैं या हमारे दोस्त हैं प्रकरण से, यानी सब्जेक्ट से परिचित कराना चाहती है, और वो इस सब्जेक्ट को, इस प्रकरण को बहुत और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इनमें से कौन सा स्ट्रेटजी या कौन सी युक्ति सही होनी चाहिए. तो क्या वो चार्ट यूज करे, पिक्चर्स को डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के पिक्चर्स को दिखाने के लिए चार्ट यूज करे, या फिर ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ब्लैक बोर्ड पे विभिन्न जानवरों के चित्रों को ब्लैक बोर्ड पे बनाए, या फिर वो वीडियो दिखाए एनिमल्स और उनकी यूजफुलनेस के ऊपर, या फिर वो स्टूडेंट से पूछे और कहे कि भाई जो अपनी टेक्स्ट बुक है उसमें जो एनिमल्स की जो पिक्चर्स दिए हुए हैं आप उनकी पिक्चर्स को देखो. तो एज अ टीचर आप क्या करना चाहेंगे? पहली बात तो आपको ये सोचनी है कि अगर आप नलिनी होते तो आप क्या करते, ठीक है? और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्टूडेंट होते तो आप क्या एक्सपेक्ट करते, आपको किस ऑप्शन से ज्यादा समझ में आता. तो अगर आप ध्यान से देखो कि ऑप्शन 1 एंड 2, या तो टीचर पिक्चर ड्रॉ करे एनिमल्स को या फिर एक चार्ट दिखाए, वो मोर और लेस सेम ही बात है. उससे एनिमल्स हमें इंटरेक्ट करते हुए उनकी एक्टिविटीज को हम कुछ ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो एक ही एक्शन में चार्ट या फिर ब्लैक बोर्ड पे आपको दिखाई देंगे. चौथा ऑप्शन है कि हम टेक्स्ट बुक से देखें, तो फिर टीचर की ही क्या जरूरत है, टेक्स्ट बुक से देखना तो बहुत ही बोरिंग होता है. सो ऑप्शन जो 3 है कि अगर टीचर आपको एक वीडियो फिल्म दिखाए जिसमें एनिमल्स मूव कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अपनी कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो वीडियो ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग होगा और उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, एनिमल्स के बारे में, उनकी हरकतों के बारे में, वो क्या उनके क्या यूजेस हो सकते हैं, जैसे शीप है उसका वूल यूज करते हैं. तो इस तरीके के जो ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर हो सकता है या होगा, ठीक है? एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है. लाइक क्लास 5th एनसीईआरटी ईवीएस टेक्स्ट बुक्स इंक्लूड अ सेक्शन व्हाट वी हैव लर्न्ड इन द एंड ऑफ एवरी चैप्टर. की कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पार्ट के लेसन के एंड में एक और खंड शामिल किया गया है कि हम क्या समझे, इस चैप्टर से हमने क्या समझा. सो इट इज सजेस्टेड दैट आंसर टू क्वेश्चंस इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन शुड नॉट बी असेस्ड इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग. और ये कहा गया कि भाई ये जो खंड जो ऐड किया गया है कि हमने इस चैप्टर से, इस पार्ट से क्या समझा, उसका बच्चों का जो आंसर है वो राइट या रॉन्ग में नहीं देना है. जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना कई बार, राइट मतलब ट्रू और फॉल्स, राइट या रॉन्ग, तो वैसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में आप आंसर में आपको क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है. और तो ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो चेंज किया गया है, मतलब जो खंड में जो सेक्शन ऐड किया है कि हमने चैप्टर से क्या समझा और उसका आंसर हमें राइट या रॉन्ग में नहीं देना है, तो इस परिवर्तन का, दिस शिफ्ट हैज बीन डन बिकॉज, तो ये परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि,
चिल्ड्रन कैन नॉट राइट करेक्ट आंसर एट दिस स्टेज, इस स्तर पर यानी पांचवी क्लास के बच्चे क्या सही उत्तर नहीं लिख सकते, इसलिए बोला है कि भाई आपको राइट या रॉन्ग में आंसर नहीं लिखना है, या फिर इट इनहेंसेस, नहीं क्योंकि इस ये आंसर ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि क्लास फिफ्थ के बच्चे आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है। इट इनहेंसेस कन्वीनियंस टू टीचर इन असेसमेंट, ऑब्वियसली अगर ये परिवर्तन ना किया गया होता, मींस अगर बच्चों को सिर्फ राइट और रॉन्ग लिखा हुआ होता, तो ये क्या इनहेंस, मतलब टीचर की कन्वीनियंसी को अगर आप चेक करना ही है तो ऑब्वियसली टीचर को तो काफी इजी रहेगा ट्रू फॉल्स या राइट या रॉन्ग में लिखना, लेकिन अगर हम कुछ अच्छा एक समझ एक अंडरस्टैंडिंग बच्चों में देना चाह रहे हैं तो टीचर की को तो थोड़ी मेहनत करनी ही होगी, तो टीचर की कन्वीनियंस को हम नहीं देख सकते, तो इसलिए भी ये नहीं किया गया है। तीसरा है इट हेल्प्स द टीचर टू नो हाउ चिल्ड्रन आर लर्निंग, कि टीचर को ये जानने में समझ मिलती है कि बच्चे कैसा सीख रहे हैं, एंड इट रिड्यूस सब्जेक्टिविटी इन असेसमेंट। सो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में खंड को शामिल किया गया है कि हमने चैप्टर से क्या समझा, यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाए, ठीक है, ये एक सजेशन दिया हुआ है। तो यह परिवर्तन इसलिए किया एस की, क्योंकि टीचर समझ पाए बच्चे, क्योंकि कोई भी एक टॉपिक है, सपोज करो हमने प्लांट से रिलेटेड एक फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में जैसे मैंने आपको टीचर ने समझाया, तो टीचर ने जब कुछ क्वेश्चन पूछा कि इस चैप्टर से हमने क्या समझा, तो कुछ बच्चे फ्लावर का जैसे डायग्राम बना देंगे, कुछ उसके मेल पार्ट फीमेल पार्ट लिखेंगे, कुछ सारे पार्ट्स लिख पाएंगे, कुछ नहीं लिख पाएंगे, कुछ सिर्फ ड्राइंग बना पाएंगे, कुछ ड्राइंग के साथ जो पार्ट्स हैं उनका यूजेस बता पाएंगे, तो हर बच्चा अपने हिसाब से कुछ कुछ अलग लिखेगा, तो वो कम्प्लीटली हर बच्चे की बात कम्प्लीटली ना तो सही होगी ना गलत होगी। तो ऑफ कोर्स इस स्तर पर पांचवी क्लास के बच्चे लिख सकते हैं, तो ऑप्शन वन तो नहीं हो सकता। टीचर की कन्वीनियंस तो हम नहीं देख सकते, कन्वीनियंस अगर देखना है तो फिर हमें इम्प्रूव करने की बात ही नहीं आती। तो सब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी मीन्स कि डिफरेंट जो टाइप है उसकी विषय निष्ठता को कम करता है तो नहीं, तो ये टीचर को ही हेल्प करता है, तो ऑप्शन थ्री विल बी अ करेक्ट आंसर, कि टीचर समझ पाएगा ज़्यादा अपने बच्चों को कि वो बच्चों को किस बच्चे को कितना समझ आया है और वो कितना समझा पाया है उस सब्जेक्ट से उस चैप्टर से रिलेटेड। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप एज अ टीचर एक माइंड में एक इमेज बना के देखिए, एक एज अ स्टूडेंट बना के इमेज बना के देखिए, तो आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटिंग एक्सप्लोरिंग इन्वेस्टिगेटिंग एंड क्वेश्चनिंग कॉन्स्टिट्यूट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ ईवीएस। प्रयोगशीलता खोजना, एक्सप्लोरिंग मीन्स खोजना, जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेटिंग और प्रश्न पूछना क्वेश्चनिंग पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्व का निर्माण करते हैं। मीन्स पर्यावरण अध्ययन को इस टाइप के प्रयोग करना, खोजना, जांच पड़ताल करना एक अच्छा लर्निंग देते हैं ईवीएस में। सो अ टीचर अरेंजेस द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड वी शुड ईट। तो एक टीचर एक एक्टिविटी अरेंज करना चाहती है फूड वी शुड ईट, कि हमें फूड जो हमें खाना चाहिए। सो निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्थाएं करती हैं, तो इसमें बताते हैं कि विच वन ऑफ द फोर एक्टिविटी सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ लर्निंग एक्टिव लर्निंग एक्टिविटी, है ना, तो कौन सी एक्टिविटी जो है वो एक्टिव लर्निंग है, अच्छी लर्निंग है। तो ड्रॉज द डायग्राम्स ऑफ ऑल सच फूड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था कि सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने से या चार्ट दिखाने से एक एक्टिव लर्निंग तो नहीं होती है। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट फूड्स ईच इन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड, कि जो भी आपके जो फूड हैं उनकी हम सिर्फ एग्जाम्पल दें, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देना, ठीक है, कि ये इसमें ये है इसमें ये है, ऐसा करके बताने से वो, लेकिन ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देना हो जाएगा, ये एक्टिव लर्निंग नहीं होगी। आस्क स्टूडेंट्स टू कलेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज, तो ये क्या हो गया, इसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है। एक्टिविटी मीन्स जब हम
बच्चों को स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं कि भाई तुम ये सीखने के लिए आप जितने भी आपके पास सोर्सेज हैं उनसे, यानी जो भी आप फूड खाते हो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करो। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन 3 कैन बी आंसर, लेकिन उससे पहले हम ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं, शो अ वीडियो ऑन द टॉपिक। तो वीडियो ऑन द टॉपिक एक लर्निंग होगी, एक इंटरेस्टिंग वे में, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि एनिमल्स के बारे में और उनकी यूजफुलनेस के बारे में, तो एक एक इंटरेस्टिंग वे में जो लर्निंग होगी वो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन 4 होगा, लेकिन जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी तो क्या होगी, ऑप्शन 3 ही हो सकती है। सो ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पेडागोजी से रिलेटेड है। व्हाइल टीचिंग द टॉपिक ऑन एयर इज एवरीवेयर टू क्लास फोर्थ स्टूडेंट, कक्षा 4 के शिक्षा विद्यार्थियों को हवा सब जगह, एयर इज एवरीवेयर पढ़ाते हुए समझाते हुए गीतिका प्लान टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। गीतिका प्लान करती है ये वाली एक्टिविटीज करने के लिए, तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी है, विच वन ऑफ द अबाउ प्रपोज एक्टिविटी इज नॉट रेलेवेंट फॉर टीचिंग ऑफ द टॉपिक इफेक्टिवली। यहाँ पे ये नॉट शब्द पे बहुत ध्यान देना है, ऐसा नहीं हो आप रेलेवेंट देखने करके और गलत आंसर टिक कर दें। तो कौन सी एक्टिविटी है जो टीचिंग, एक अच्छी टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो टेक द स्टूडेंट्स टू अ फील्ड ट्रिप, शिक्षक बच्चों को एक फील्ड ट्रिप पे ले जाना, क्या तो वो क्या ये टॉपिक सीखेंगे, देखते हैं बाकी 3 टॉपिक क्या है, बट ये तो नहीं लगता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट थ्रू स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, यस आप स्पेसिफिक एग्जाम्पल देके टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे तो यस बच्चों को वो टॉपिक समझ में आएगा। यूज मल्टीमीडिया कैप्सूल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मल्टीमीडिया चीजों को, वीडियोज को यूज करने से टॉपिक समझ में आएगा, यस ये भी हेल्प करेगा। आस्क प्रोबिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक, बच्चों से उस प्रकरण से, उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन से इंटरेक्शन होगा बच्चों के साथ, तो ऑफ कोर्स वो चीजें समझ पाएंगे। लेकिन फील्ड पर जाने से, किसी ट्रिप पर जाने से, तो ऑफ कोर्स वो एक टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। सो नॉट रिलेवेंट होगा, तो नॉट रिलेवेंट के केस में ऑप्शन 1 विल बी योर आंसर। सो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के। इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मींस देखेंगे, समझेंगे, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स समझेंगे। सो एक क्वेश्चन के साथ आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर पूरी हो जाएगी, क्योंकि समय कम है इसलिए हम पूरे टॉपिक को समझाकर फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हम अगले लेक्चर में देखेंगे, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक आपका कोई चैप्टर है या फिर टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस चाहते हैं कि हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा करें तो वो आप बता सकते हैं। थैंक यू, गुड लक।